पीएनबी को 11,400 करोड़ का चूना लगाकर नीरव मोदी का विदेश भाग जाना चौंकाने वाला तो है, लेकिन भारत में ये पहली बार नहीं हुआ है। इससे पहले भी कई बिजनेसमैन बैंकों को चूना लगा चुके हैं। जब भी कोई ऐसा मामला सामने आता है तो सबसे पहला सवाल ये उठता है कि ऐसे लोगों के साथ क्या किया जाए। भारत में आज तक कर्ज वसूल करने के लिए कोई स्पष्ट रणनीति बनी ही नहीं, लेकिन भारत चाहे तो पड़ोसी देश चीन से सीख ले सकता है। चीन बैंकों को चूना लगाने वालों के साथ सख्ती से पेश आता है, जिसका फायदा वहां देखा भी जा रहा है। चीन की सुप्रीम पीपल्स कोर्ट ने हाल में 67 लाख से ज्यादा बैंक डिफॉल्टर्स को काली सूची में डाल दिया है। इसका मतलब ये कि वो विमान से सफर नहीं कर सकते, लोन या क्रेडिट कार्ड के लिए आवेदन नहीं कर सकते और उन्हें प्रमोशन भी नहीं मिलेगा। ग्लोबल टाइम्स की खबर के मुताबिक अब तक चीन सरकार ने 61.5 लाख लोगों को विमान टिकट खरीदने और 22.2 लाख लोगों को तेज रफ्तार रेलगाड़ियों में सफर करने पर पाबंदी लगा दी है। जिन डिफॉल्टर्स को ब्लैकलिस्ट किया है उनमें सरकारी नौकर, स्थानीय विधायिका और राजनीतिक सलाहकार संस्थाओं के सदस्य और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के प्रतिनिधि शामिल है। चीन में जब भी किसी को ब्लैकलिस्ट किया जाता है तो उस व्यक्ति का नाम चीन की सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर भी डाल दिया जाता है। इन लोगों के बच्चे महंगे स्कूल में नहीं पढ़ सकते। इसके अलावा डिफॉल्टर्स 3 स्टार या उससे ज्यादा महंगे होटलों में ठहर नहीं सकते, और अगर वो सिविल सर्विस से जुड़ना चाहते हैं तो उन्हें मुश्किल परीक्षा से गुजरना होता है। इसके साथ साथ कार बुक करने के लिए भी ज्यादा पैसे खर्च करना पड़ता है। चीन की इस कड़ी कार्रवाई का असर ये हुआ कि करीब 10 लाख डिफॉल्टर्स ने खुद ही कोर्ट का आदेश मानने की बात कही है। यानी अगर भारत में भी इसी तरह की व्यवस्था लागू की जाए तो बैंकों की मुश्किल आसान होती है, लेकिन क्या भारत सरकार इतना बड़ा कदम उठा पाएगा, बड़ा सवाल यही है। NMF न्यूज़ की रिपोर्ट।